नमस्कार। आज सूक्ति मौक्तिकम इस पाठ का हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम सूक्ति के बारे में जानेंगे। सूक्ति सु अर्थात सुंदर, उक्ति अर्थात कथन, यानी जो सुंदर कथन हैं उन्हें हम सूक्ति कहते हैं। सूक्ति मौक्तिकम इस पाठ का अर्थ है सूक्ति रूपी मोती। वैसे देखा जाए तो संस्कृत साहित्य में नीति ग्रंथों की समृद्ध परंपरा है। इनमें सारगर्भित और सरल रूप में नैतिक शिक्षाएं दी गई हैं, जिनका उपयोग करके मनुष्य अपने जीवन को सफल, समृद्ध और सात्विक बना सकता है। ऐसे ही अमूल्य और मनोहर सुभाषित यहाँ संकलित हैं, जिनमें सदाचरण की महत्ता, प्रिय वाणी की आवश्यकता, परोपकारी पुरुष का स्वभाव और गुण ग्रहण करने की प्रेरणा, मित्रता का स्वरूप तथा श्रेष्ठ मनुष्यों की संगति से होने वाले लाभों एवं सत्संगत की महिमा आदि विषयों का प्रतिपादन किया गया है। तो हम आरंभ करते हैं अपना प्रथम श्लोक। वृत्तम यत्नेन संरक्षित वित्तम एति च याति च अक्षीणो वित्ततः क्षीणो वृत्ततस्तु हतो हतः। हमारा पहला श्लोक मनुस्मृति से लिया गया है। वृत्तम अर्थात चरित्र, वित्तम अर्थात धन, इसमें दोनों के अंतर को बताया गया है। पहले हम इसका अन्वय देखेंगे बेटा। वृत्तम यत्नेन संरक्षे वित्तम येति च याति वित्ततः क्षीणः तु अक्षीणः वृत्ततः क्षीणः तु हतो हतः। अर्थात वृत्तम यत्नेन संरक्षेत, वृत्त अर्थात चरित्र की यत्नेन प्रयत्नपूर्वक संरक्षेत रक्षा करनी चाहिए। वित्तम येति च, वित्त अर्थात धन, येति आता है च और याति जाता है, अर्थात धन तो आता है और जाता है। वित्ततः क्षीणः तु अक्षीणः, धन के क्षीण होने से तो कुछ भी नष्ट नहीं होता। वृत्ततः क्षीणः तु हतो हतः, और यदि हमारा चरित्र, वृत्त अर्थात चरित्र नष्ट हो गया तो सब कुछ नष्ट हो गया। अर्थात श्लोक में ये बताया गया है कि धन कि हम में कोई आवश्यकता नहीं है संग्रह करने की, क्योंकि वो तो आता है और चला जाता है। लेकिन हमें रक्षा किसकी करनी चाहिए? अपने चरित्र की करनी चाहिए। तो चरित्र से बढ़कर कुछ भी नहीं है। दूसरा श्लोक। श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा चैवावधार्यताम आत्मनः प्रतिकूलान परेशान न समाचरेत। इसका भी अन्वय देखेंगे बेटा। धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा तम अवधार्यतां आत्मनः प्रतिकूलान परेशान न समाचरेत। धर्म सर्वस्वम, धर्म अर्थात धर्म के सर्वस्वम, सार को, सब कुछ, धर्म का सब कुछ अर्थात सार। श्रुत्वा, यहाँ कत्वा प्रत्यय जुड़ा हुआ है, श्रु प्लस कत्वा, धर्म के सार को श्रुत्वा सुनकर तम उसको अवधार्यताम धारण करना चाहिए। धर्म के सार को सुनकर उसको धारण करना चाहिए। आत्मनः प्रतिकूलान, जो आचरण आत्मनः स्वयं के लिए प्रतिकूलानि प्रतिकूल हो, विपरीत हो, परेशान न तत्समाचरेत, दूसरों के साथ उसका व्यवहार नहीं करना चाहिए। कहने का तात्पर्य ये है कि जो आचरण हमें अपने लिए प्रतिकूल लगता है, विपरीत लगता है, उस आचरण को हमें दूसरे लोगों के साथ भी नहीं करना चाहिए। अर्थात जैसा आचरण हम स्वयं के लिए चाहते हैं, वैसा ही आचरण, वैसा ही बर्ताव हमें दूसरे लोगों के साथ भी करना चाहिए। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तव तस्मात् तदेव वक्तव्यम् वचने का दरिद्रता। तीसरा हमारा श्लोक चाणक्य नीति से लिया हुआ है। इसका भी अन्वय देखेंगे। सर्वे जन्तव प्रिय वाक्य प्रदानेन तुष्यन्ति तस्मात्
तदेव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता सर्वे सभी जंतव जंतु अर्थात प्राणी प्रिय वाक्य प्रदानेन प्रिय बोलने से तुष्यन्ति संतुष्ट होते हैं। तस्मात् इसलिए तदेव वक्तव्यम हमें प्रिय वाणी ही बोलनी चाहिए। वचने का दरिद्रता बोलने में दरिद्रता कैसी कंजूसी कैसी अर्थात सभी जंतु प्रियवाणी बोलने से प्रसन्न होते हैं तो हमें हमेशा प्रियवाणी ही बोलनी चाहिए। बोलने में दरिद्रता कैसी अर्थात हमें कठोर वाणी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अगला हमारा श्लोक है पिबन्ति नद्यः स्वयमेव नाम्भ स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षा नादन्ति सस्यं खलु वारिवाहा परोपकाराय सतां विभूतयः। अन्वय देखेंगे नद्यः स्वयमेव अम्भः न पिबन्ति वृक्षा स्वयं फलानि न खादन्ति वारिवाहा सस्यं खलु न अदन्ति एवं सतां विभूतयः परोपकाराय भवन्ति। नद्य अर्थात नदियाँ स्वयमेव स्वयं अम्भ अम्भ अर्थात जल न पिबन्ति नदियाँ स्वयं अपना जल नहीं पीती हैं। वृक्षा स्वयं फलानि न खादन्ति वृक्ष स्वयं अपना फल नहीं खाते हैं। वारि वाहा वारि को वहन करने वाले वारि को कौन वहन करता है मेघ बादल। वारिवाहा अर्थात बादल सस्यम फसलों को खलु न अदन्ति खुद नहीं खाते स्वयं नहीं खाते एवं इसी प्रकार सताम विभूतयः सताम अर्थात सज्जनों की विभूतयः संपत्तियां परोपकाराय भवन्ति परोपकार के लिए होती हैं। फिर से देखेंगे बेटा नदियां स्वयं अपना जल नहीं पीती हैं वृक्षा स्वयं फलानि न खादन्ति वृक्ष स्वयं अपना फल नहीं खाते हैं। वारिवाहा सस्यं खलु न अदन्ति वारिवाहा मेघ फसलों को स्वयं नहीं खाते हैं एवं इसी प्रकार सताम सज्जन लोगों की विभूतयः संपत्तियां परोपकाराय भवन्ति परोपकार के लिए होती हैं। गुणेष्वेव हि कर्तव्य प्रयत्नः पुरुषैः सदा गुणयुक्तो दरिद्रोऽपि नेश्वरैः गुणैः समः। इसका भी अन्वय पहले देखेंगे पुरुषैः सदा ही गुणेष्वेव प्रयत्नः कर्तव्यः गुणयुक्तः दरिद्रः अपि अगुणैः ईश्वरः समः न अपित श्रेष्ठः भवति। पुरुषैः यानी पुरुषों के द्वारा सदा ही सदैव ही गुणेष्वेव प्रयत्न कर्तव्य गुण के लिए ही प्रयत्न करना चाहिए। पुरुष को या मनुष्य को हमेशा ही गुण के लिए प्रयत्न करना चाहिए अर्थात उसे गुण ग्राही होना चाहिए क्योंकि गुण युक्त दरिद्र अपि क्योंकि गुण से युक्त दरिद्र व्यक्ति भी अगुणैः ईश्वरः समः न गुणहीन ऐश्वर्य संपन्न लोगों से बढ़कर होता है उनके समान नहीं होता उससे श्रेष्ठ होता है इसलिए व्यक्ति को हमेशा गुणग्राही होना चाहिए। अगला श्लोक है हमारा आरंभ गुरुवी क्षयणी क्रमेण लघ्वी पुरा वृद्धि मती च पश्चात दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना छायैव मैत्री खल सज्जनाना। इसका ये नीति शतक से लिया गया है। अन्वय देखेंगे दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना छाया इव खल सज्जनानाम मैत्री आरंभ गुरुवी पश्चात च क्रमेण क्षयणी तथा च पुरा लघ्वी पश्चात च वृद्धिमती भवति। अर्थात इस श्लोक में सज्जनों और दुर्जनों की मित्रता के बारे में बताया गया है कि सज्जन और दुर्जन की मित्रता किस प्रकार एक दूसरे से भिन्न होती है। जिस प्रकार दिन की छाया पहले बड़ी होती है और दिन मध्यान्ह काल के पश्चात की छाया छोटी होती है वैसे ही सज्जन लोगों की मित्रता पहले तो छोटी होती है और बाद में बड़ी होती है लेकिन दुष्टों की मित्रता दुर्जन लोगों की मित्रता
पहले बहुत बड़ी होती है और धीरे धीरे करके वो समाप्त हो जाती है, क्योंकि दुर्जनों का की जो मित्रता होती है वो स्वार्थवश होती है और सज्जनों की मित्रता स्वार्थवश नहीं होती। अर्थ देखेंगे इसका, दिनस्य पूर्वार्ध परार्थ भिन्ना, दिन के पूर्वार्ध और पूर्वार्ध अर्थात मध्यान्ह काल से पहले, परार्ध अर्थात मध्यान्ह काल के पश्चात, भिन्ना छाया, पूर्वार्ध मध्यान्ह काल से पहले और मध्यान्ह काल के पश्चात छाया की तरह सज्जन और दुर्जनों की मित्रता अलग अलग होती है, भिन्न भिन्न होती है। आरंभ गुरुवी पश्चात, आरंभ में यानी दुर्जनों की जो मित्रता होती है आरंभ में तो गुरुवी भारी होती है, बड़ी होती है, च क्रमेण क्षयणे, परंतु धीरे धीरे मध्यान्ह काल के बाद की छाया के समान धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। तथा च पुरा लघुवी पश्चात, किंतु इसके विपरीत सज्जन लोगों की मित्रता पहले तो लघुवी छोटी होती है, पश्चात च वृद्धिमती भवति, और उसके पश्चात बड़ी होती है। अर्थात सज्जनों और दुर्जनों की मित्रता में यही अंतर है कि सज्जनों की मित्रता बिना किसी स्वार्थ की होती है और पहले तो छोटी होती है और धीरे धीरे प्रगाढ़ होती जाती है, लेकिन दुर्जन व्यक्तियों की मित्रता पहले तो बड़ी होती है और फिर धीरे धीरे परार्ध की छाया के समान समाप्त हो जाती है, क्योंकि उनकी मित्रता स्वार्थवश की गई होती है। अगला श्लोक हम देखेंगे, यत्रापि कुत्रापि गता भवेयु हंसा महिमंडल मंडनाय हानिस्तु तेषां हि सरोवराणां एषां मरालय सह विप्रयोग। बेटा यहाँ पर एक दो संधि के शब्द हैं, यत्रापि, यत्र प्लस अपि, कुत्रापि, कुत्र प्लस अपि, भवेयु प्लस हंसा, विसर्ग को र हो गया है यहाँ पर, और फिर हानिस्तु, हानि प्लस तु, यहाँ भी विसर्ग संधि है। अन्वय देखेंगे, हंसा महिमंडल मंडनाय यत्र अपि कुत्र अपि गता भवेयु हानि तु तेषां सरोवराणां हि भवति एषां मरालय सह तेषां विप्रयोग भवति। अर्थात हंसा, हंस, महिमंडल मंडनाय, महि मतलब पृथ्वी, महिमंडल मंडनाय पृथ्वी की शोभा बढ़ाने के लिए, यत्र अपि कुत्र अपि गता भवेयु जहाँ कहीं भी चले गए हों। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि हंस पृथ्वी की शोभा को बढ़ाने के लिए जहाँ कहीं भी चले गए हों, हानि तो तेषां सरोवराणां ही भवति, हानि तो उन सरोवरों का होता है, उन जलाशयों का होता है, एषां मरालय सह जिनका मराल अर्थात हंसों के साथ वियोग हो गया होता है, अर्थात जिन सरोवरों को छोड़ करके, जिन जलाशयों को छोड़ करके हंस चले जाते हैं, हानि तो उनकी होती है क्योंकि उनका सौंदर्य नष्ट हो जाता है। वो तो जहाँ भी गए हैं वहाँ सौंदर्य बढ़ेगा ही, लेकिन नुकसान तो इनका हुआ जहाँ से ये गए हैं। अगला श्लोक, गुणा गुणज्ञेश गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषा आस्वादितोया प्रवहन्ति नद्य समुद्र मासाद्य भवन्ति अपेया। यहाँ भी एक दो शब्द हैं, भवन्ति प्लस अपेया, यहाँ संधि हो गई है, और प्राप्य प्र आप और लेप प्रत्यय जुड़ा हुआ है। अन्वय देखेंगे, गुणा गुणज्ञेश गुणा भवन्ति, गुण गुणियों के पास जाकर ही गुण होते हैं, ते निर्गुणं प्राप्य दोषा भवन्ति, वे किसी गुणहीन व्यक्ति के पास चले जाते हैं तो दोष बन जाते हैं। यानी गुण की पहचान गुणी व्यक्ति ही कर पाता है, किसी निर्गुण व्यक्ति के पास, गुणहीन व्यक्ति के पास अगर वो गुण चला जाए तो वो दोष में परिवर्तित हो जाता है। जैसे नद्यः आस्वाद्य तोयाः प्रवहन्ति, नदियाँ आस्वाद्य स्वादिष्ट तोयाः जल प्रवहन्ति उत्पन्न करती हैं, समुद्रम आसाद्य अपेयाः भवन्ति, किंतु
समुद्र में आसाद्य गिर कर अपेया न पीने योग्य भवन्ति हो जाती हैं। फिर से एक बार देखेंगे, गुण गुणियों के पास पहुंचकर ही गुण रहते हैं, किसी गुणहीन व्यक्ति के पास अगर वो चले जाएं तो वो दोष बन जाते हैं। वैसे तो नदियाँ स्वादिष्ट जल उत्पन्न करती हैं, किंतु समुद्र में पड़कर उनका जल भी खारा हो जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि तुच्छ व्यक्ति भी अगर अच्छे लोगों के संपर्क में जाता है तो वो अच्छा बन जाता है, सज्जनों के संपर्क में जाके अच्छा बन जाता है। लेकिन क्योंकि जल का वैसे कोई स्वरूप नहीं होता, लेकिन जब नदी में रहता है तो मीठा होता है, और वही जल अगर समुद्र में पड़ जाए तो समुद्र का गुण लेकर के खारा बन जाता है, पीने योग्य नहीं रह जाता। तो ये हमें ध्यान में रखना है कि हम गुण को किसी गुणहीन व्यक्ति के पास भेजेंगे तो वो गुण नहीं रह जाएगा, दोष बन जाएगा, और वही किसी गुणी के पास जाएगा तो गुण ही रहेगा, जैसे नदियों का जल समुद्र में जाने के पश्चात पीने योग्य नहीं रह जाता। धन्यवाद।